कपी पामा ले आइसक्रीम। अरे भैया थैंक यू सो मच। थैंक यू चीटू। गाइस दे उसको दे। नागिन कहाँ है? मयूरी नागिन के लिए आइसक्रीम लेकर आई है। हाँ। लेकिन वो आ क्यों नहीं रही? और मेरे पास मेंढक प्रसाद की आइसक्रीम है। कहाँ है दोनों? दिखे नहीं रहे। कोई नई बात नहीं है गोयल, कहीं दोनों गधा प्रसाद से मिलने तो नहीं है? वो सब तो ठीक है, पर नागिन की ये आइसक्रीम पिघल रही है। वो है कहाँ? आ क्यों नहीं रही है? अरे तुम कुछ बोलो ना, बुलाओ ना उसे। क्यों खड़े हो? खड़े खड़े आइसक्रीम खा रहे हो? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो। अरे बोलोगे क्यों नहीं? बोलो ना, बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कहो माँ, तुम बहुत अच्छी आइसक्रीम खाती हो मयूरी। डॉट 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 डॉट। नागिन, अरे नागिन रो क्यों रही है? तेरी आइसक्रीम पिघल रही इसलिए? कोई बात नहीं, दूसरी खिला देंगे। मयूरी बोल ना, क्या हुआ? आप बोलेगी? दीदी, बाबूजी के कमरे में वो सोने के कंगन नहीं है। क्या? अरे तो नागिन इसमें रोने की क्या बात है? फुल स्टॉप। अरे बाबूजी ने वो कंगन कहीं और रख दिए होंगे। डॉट 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 डॉट। हाँ हाँ नागिन, और उन सोने के कंगनों के लिए तू मोती जैसे आंसू क्यों बहा रही है? मिल जाएंगे। हाँ, और बाबूजी इतना कीमती लगेज प्लेटफॉर्म पर थोड़ी छोड़ेंगे। जेठ जी, बाबूजी जाते समय मुझसे कह के गए थे कि वो सोने के कंगन टेबल से उठा के अलमारी में रख देना। मैंने बाबूजी के कमरे में हर जगह देखा, लेकिन कंगन नहीं मिला मुझे। कंगन टेबल से कहाँ जाएंगे? मिल जाएंगे। टेंशन हो रही है टाइट। कौन है रॉन्ग और कौन है राइट? सुन नागिन, घबरा मत, मैं और मयूरी जाकर देखते हैं, वहीं कहीं गिर गए होंगे। हाँ। कंगन नहीं गिरे दीदी, गिरा अपना मेंढू है। मेंढक? एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट, बंद। मैंने पहले ही बाबूजी से कहा था कि ये मेंढक एक्सप्रेस ना गलत ट्रैक पर दौड़ रही है। मयूरी को तो यकीन नहीं हो रहा है, मेंढक ने वो काम किया। मयूरी से चोरी बोला नहीं जा रहा है। बोलने के बाद बोल रही हो कि बोला नहीं जा रहा है? फुल स्टॉप। कोई बोले भी तो क्या बोले, क्वेश्चन मार्क। अच्छा सुन नागिन, एक बात बता, तूने मेंढक प्रसाद को कंगन ले जाते हुए देखा? कोई गलतफहमी हुई होगी तुझे, हमारा मेंढक सपने में भी चोरी नहीं कर सकता। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं, फुल स्टॉप। और भैया, राजधानी हावड़ा के ट्रैक पे कैसे जा सकती है? क्वेश्चन मार्क। अबे गोमू, कहीं के राजधानी के 16 डिब्बे होते हैं, 16 डिब्बे वाली गाड़ी और 16 साल का लड़का कब रूट बदल दे पता नहीं चलता। पटरी बिल्कुल साफ है गोमुख। बाबूजी ने मेंढक को 5,000 रुपए देने से इनकार किया, इसलिए मेंढक ने दूसरा रूट अपनाया। जैसे ही बाबूजी घर से बाहर गए, वो कमरे में गया, कंगन उठाए और छिपते छिपाते निकल गया। समझा? शायद आप ठीक कह रहे हैं भैया, फुल स्टॉप। मेंढक प्रसाद ने चोरी की, उस बात का दुख हम सबको है, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि आज बाबूजी पहली बार गलत साबित हुए हैं। सोने के कंगन के साथ साथ आज उनका विश्वास भी चोरी हो गया। डॉट 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 डॉट। ये क्या कर दिया मेंढक ने? ना मिलेगी दिल्ली में, ना ही नैनीताल में। नैनीताल? स्पेशल चाय मिलेगी सिर्फ तिवारी टी स्टॉल में। अरे कल तो आप भोपाल बोल रहे थे, आज नैनीताल बोल रहे हो। भैया जगह बदलते रहता है, चाय का स्वाद नहीं बदलता। तिवारी भैया, हम आ गए स्पेशल चाय पीने। राकेश भैया अभी तक नहीं आए। आज भी कप, चीनी, चाय पत्ती साथ लाए हो का? नहीं भैया, आज हम सिर्फ ये चम्मच लाए हैं। बाबूजी की छाछ हिलाते हिलाते जेब में ही रह गई।
तिवारी भैया जरा सुनना, तिवारी भैया आप हमारी मदद करेंगे, फ्री में चाय नहीं पिलाएंगे। लेकिन भैया हम तो कप में चाय पीते, ये फ्री में क्या होता है? भैया जरा इधर आना। बोलो भैया, हमें 5,000 रुपये चाहिए। क्या 5,000 रुपये? आप डरिए मत भैया, हमें कीमती चीज आपके पास गिरवी रखने आए हैं। कौन सी चीज? पुलिस, पुलिस स्टेशन। हाँ कोयल, पुलिस स्टेशन। भैया फुल स्टॉप। भैया आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको बाबूजी के आने तक इंतजार करना होगा, फुल स्टॉप। अरे गोमू कहीं के चिड़ियाघर में पहली बार चोरी हुई है और हम बाबूजी के आने का इंतजार करें? इसलिए हम सबको बताएं चोरी किसने की है। घोटक भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी फुल स्टॉप। भैया मैं मानता हूं कि मेंढक ने चोरी की, चोर मेंढक है, लेकिन है तो वो इसी घर का एक हिस्सा ना, और अगर वो हिस्सा सड़ चुका है तो उस सड़े हुए हिस्से को बाहर फेंकने का पहला अधिकार बाबूजी का बनता है, फुल स्टॉप। गोमुख भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मयूरी की दीदी भी सही कह रही है। मुझे जो सही लग रहा है मैं वही करने जा रहा हूँ। किसी की लाल झंडी देख के मैं रुकने वाला नहीं हूँ। एक मिनट, इससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। इस पैसेंजर की टिकट तो ये TC घोटक केसरी नारायण चेक करेगा। कहां से आ रहा है? सुनाई नहीं देता, कहां से आ रहा है? भैया हम स्पेशल चाय पीने गए थे। कंगन बेच के चाय पीने गया था या चाय पी के कंगन बेचे? कौन से कंगन भैया? एक मिनट भैया, कंगन हम दोनों ने मिलके खरीदे थे तो सवाल भी हम दोनों मिलके पूछेंगे, फुल स्टॉप। अबे तुझे इसमें भी पार्टनरशिप चाहिए? ठीक है पूछ। मेढक कंगन कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। कौन से कंगन गोमुख भैया? नागिन के कंगन, सोने के कंगन, डॉट 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 डॉट। वो कंगन जो तू बाबूजी के टेबल से चुरा के घर से ले गया, डॉट 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 डॉट। नागिन भाभी के कंगन? हम भला क्यों नागिन भाभी के कंगन चुराएंगे? क्योंकि तुझे 5,000 रुपये चाहिए थे, चोर कहीं के। तेरी वजह से आज नागिन का फन सबके सामने शर्म से झुक गया। भाभी हमने कोई कंगन नहीं चुराया, हम तो नुक्कड़ वाली दुकान पे चाय पीने गए थे, ये देखो चम्मच। चम्मच भी चुरा लिया? डॉट डॉट डॉट। मेंढक मयूरी को सीधा सीधा जवाब दे, वरना पुलिस आके खुद ही पूछ लेगी। अब पुलिस की सजा बाबूजी की सजा नहीं है मेंढक, फुल स्टॉप। कि बस कान पकड़ के मुर्गा बना दिया। इतने डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के कि मेंढक की तरह आवाज करना भूल जाएगा तू। सुन मेंढक एक बात बता, तू दोपहर में बाबूजी के रूम में क्या करने गया था, बोल। भाभी हम बाबूजी के लिए स्पेशल छाछ रखने गए थे। अच्छा, और रूम से बाहर निकलने के बाद घर से बाहर छुप छुप के क्यों निकला? अच्छा, पहले टेबल पे छाछ रखी फिर कंगन उठा लिया। ज्यादा टेंशन टाइट मत कर वरना। अभी फुल स्टॉप। ये बाबूजी का मुजरिम है और इसकी सजा बाबूजी तय करेंगे, फुल स्टॉप। बाबूजी के आने तक हम में से कोई इसे सजा नहीं देगा, फुल स्टॉप। अरे लेकिन बाबूजी तो रात को लौटेंगे, तब तक क्या हम इसकी आरती उतारेंगे? और कहीं ये भाग गया तो? अरे भागेगा कैसे भैया, बाबूजी के लौटने तक मैं चौकीदारी करूंगा इसकी। छत से थोड़ी भागेगा। अरे भैया गेट पे चौकीदारी करूंगा ना। देखो 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 कैसे चुपचाप खड़ा है ये। तो मेंढक प्रसाद ये चिड़ियाघर है इसलिए तू यहाँ खड़ा है, अगर ये कोई और घर होता ना तो घर के बाहर खड़ा होता, धक्के मार के हमेशा के लिए निकाल दिया होता तुझे। धक्के नहीं भैया, ऐसे चोर को तो लात मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, डॉट डॉट डॉट। ये तो हमारे संस्कार हैं,
तो हम लोग चुपचाप खड़े हैं, फुल स्टॉप। देखो 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 कितना बेशरम है ये। अबे तेरी जगह कोई और होता ना तो हमारी बातें सुन के अपना गुनाह कब का कबूल कर लिया होता। क्या हुआ? माँ यार ये चौकीदारी का काम कितना बोरिंग होता है, तो इसी बात पे खुद ही खुद के लिए अर्ज करता हूं, अर्ज किया है कि हम सारी उम्र चौकीदारी कर लेंगे यारो। वाह वाह कि हम सारी उम्र चौकीदारी कर लेंगे यारों, अगर सामने हो मेमू की सूरत प्यारी यारों। वाह 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 वाह। तुम्हारी मेमना। ओह माय गॉड, मतलब मेमू वापस आ गई। अच्छा, मुझे छत पे ना पाकर लेटर सीधा गेट पे ही फेंक दिया। वो भी हिंदी में। यस। क्या लिखा है? तुम्हारी मेमना हिंदी सीख गई है। पोई पोई। कपी तुम बहुत अच्छे हो, सीधे हो, प्यारे हो, लेकिन बुद्धू हो क्या मेमू? तुम जब दूर होते हो फिर भी ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे बहुत नजदीक हो। कपी आज मुझसे तुम एक वादा करो, वादा करो कि तुम मुझे ऐसे अकेला कभी छोड़ के नहीं जाओगे जैसे अभी भी तुमने गेट को अकेला छोड़ दिया है? कपी भैया, कपी भैया, मिमी मुझे कपी भैया क्यों कह रही है? टेंशन हो रही है, टाइट, भारी पड़ेगी आज की नाइट। क्या लिखा है? कपी भैया हम घर से भाग नहीं रहे बल्कि घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हम चोर नहीं हैं, सिर्फ बेवकूफ हैं। भैया भाभी, भैया भाभी, भैया जल्दी मारो भैया। अबे बच्चे मुश्किल से सोए, तू चिल्ला क्यों रहा है? अरे भैया मेंढक गया। क्या मेंढक अपने प्लेटफॉर्म से रवाना हो गया? हाँ। अरे यार तू चिल्ला क्यों रही हो? क्वेश्चन मार्क। बच्चे मुश्किल से सोए हैं। डॉक्टर डॉक्टर तुम कहीं के मेंढक चला गया? क्या कॉमा फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट बंद। गोमुख भैया क्यों चिल्ला रहे? बच्चे बहुत मुश्किल से सोए। अरे भाभी मेंढक चला गया। डॉट डॉट डॉट। क्या मेंढक चला हंस की चाल?
दीदी इतना चिल्ला क्यों रही हो? बच्चे मुश्किल से सोए हैं। मेंढक भाग गया। क्या आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मम्मी मुश्किल से सोई है। बच्चे लोग तुम लोग क्यों जाग गए? बच्चे मुश्किल से सोए, बच्चे मुश्किल से सोए। इतना जोर जोर से चिल्लाओगे तो बच्चे मुश्किल से कैसे सोएंगे? हाँ ठीक है भैया, टॉपिक पे वापस आइए। ये लीजिए, ये लेटर पढ़िए। लेटर? तुम्हारी मेमना ये लेटर मुझे क्यों दे रहा है? मेमना की? अरे भैया ये मेमो का लेटर नहीं है, ये मेढक का लेटर है। हाँ हाँ, मेढक ने तुझे लव लेटर लिखा? डॉट डॉट डॉट। हाँ ये क्या चल रहा है? कशमा बस 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 बाबूजी बस बस बस। लो जी बाबूजी, आपको लाख वक्त ऑलमोस्ट सही सलामत कार पहुंचा दिया ना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरी तौबा, आज के बाद मैं आपकी मोटरसाइकिल पे बैठने का नाम नहीं लूंगा भाई साहब। ये कर लोगे बाबूजी, आप नाराज हो? वो नाराजगी की बात नहीं है, पहले तो जब घर से चलने लगे तो आपकी मोटरसाइकिल ने जवाब दे दिया। धक्का दे के लेके गए मैकेनिक की दुकान पे, मैकेनिक ने डेढ़ घंटा लगा के इसको स्टार्ट किया तो जाके पहुंचे हम अमृत लाल जी के घर। अमृत लाल जी के यहाँ से जब वापस चलने लगे तो फिर ये मोटरसाइकिल ने जवाब दे दिया। फिर घसीट के लेके गए मैकेनिक किया, मैकेनिक की दुकान बंद। फिर घसीटते हुए अब यहाँ लेके आए हैं। 8 किलोमीटर चलवाया आज, आपने बताया आपको टांगे टूट गई मेरी। बाबूजी दो टांगे जरूर टूटी है, और लेकिन ये भी तो सोचो कि मेरी बाइक कितनी इंटेलिजेंट है, 4 लीटर तेल भी तो बचाया बचाया ना। और बाबूजी आजकल टांगों से ज्यादा महंगा तेल है कि नहीं, दसो है कि नहीं? बात तो आपकी सही है, आप महान हैं चोपड़ा जी, महान। आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ, और तौबा मेरी आज के बाद आपकी मोटरसाइकिल पे नहीं बैठूंगा। गुड नाइट ते शुभ रात्रि, आपने कार को चला यात्री। ओ भाऊजी क्या हुआ? ये तो शेर हो गया। क्या? गुड नाइट ते शुभ रात्रि, कार को चला यात्री। आगे सुनाओ ना भाऊजी, सुन लो ना, बहुत बढ़िया ना भाऊजी, फिर कभी मौका मिले ना मिले ना। हरिओम हरिओम हरिओम। मतलब जितनी देर मयूरी की आंख लगी उतनी देर में मेंढक प्रसाद घर से भाग भी गया। मयूरी मेंढक भागा नहीं है, घर छोड़कर गया है, और यही उसने अपने लेटर में भी लिखा है। उसका इस घर से जाना ही पक्का सबूत है कि चोरी उसने की है। किसने चोरी की है बेटा? कौन घर से चला गया? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.